So today I will discuss the RRU power concept. आज का ये वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि एक RRU कितने वाट पावर अपने अंदर रखता है. So try to understand this basic concept first. As this one is the 8863-900 frequency band RRU. तो ये हमारे पास RRU है, इसकी सिक्स पोर्ट्स हैं. 8863-900 for 2G or LTE technology. As this RRU can support the both technologies, like it can support the 2G and it can also support as 900. ये RRU आजकल हम इस पे 2G technology को भी use कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है LTE 900 MHz frequency band पे भी इसको mix mode में हम use कर रहे हैं. यहाँ पे वो system आ जाता है 2G plus L900 का. So as we know that the first one port is the port 1, 2, 3, 4, 5, 6. First one port is TXRX and second one is the RX, third one TXRX, then RX, TXRX and the RX. अब हमारे पास पोर्ट्स की तरतीब कुछ इस हिसाब से होती है कि पहली पोर्ट जो है वो TXRX है, मतलब वो सिग्नल को ट्रांस भी कर सकती है, वो रिसीव भी कर सकती है. दूसरी RX के लिए है, फिर तीसरी TXRX है. ये सिक्स पोर्ट्स का जो RRU है उसका यही स्टैंडर्ड होता है. नंबर वन TXRX, सेकेंड पोर्ट फॉर RX, थर्ड वन TXRX, फोर्थ वन इज द RX, फिफ्थ वन इज द TXRX एंड सिक्स्थ वन इज द RX. सो फॉर द फर्स्ट टू पोर्ट्स वी कैन बी यूज द फॉर द फर्स्ट सेक्टर. ये जो पहली दो पोर्ट्स हैं जिसको हम सेक्टर वन के लिए यूज करते हैं, इस पर पहले आते हैं. TXRX प्लस RX, पहली दो पोर्ट्स मिलकर हमारे पास एक PA बनाएगी. ये होगा 1 PA के बराबर. PA means power amplifier. तो ये एक power amplifier कितने वाट का होता है? 1 PA is equal to 80 watt. ठीक है. 3 and 4, 5 and 6. 3 and 4 is used for the second sector. तीसरे और चौथे को हम use करते हैं mostly दूसरे sector के लिए. अब तीसरे चौथे की power आप calculate करेंगे तो वो भी same like TXRX plus RX. ये भी एक PA हो जाएगा. अब हमारे पास 2 PA हो गए, तो 2 PA हो गए तो 80 plus 80, 160. अब तीसरे सेक्टर के लिए जो है, जब हमारे पास PA की तादाद 3 होगी, we have the 3 PAs, तो एक PA जैसे हमारे पास मैंने बताया था कि वो 80 वाट के बराबर है, तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 वाट का हमारे पास एक RRU होता है. We have the RRU having 3 PAs equal to that one 240 watt. This is how we calculate the RRU power. तो इस तरह से हम RRU की पावर जो है वो वाट में कैलकुलेट करते हैं. और एक PA जो होता है ये 4 TRX चैनल छोड़ता है. 4 TRX होते हैं इसके, मींस के 1 TRX is equivalent to the 20 watt. So 1 PA having 4 TRX is equal to 20. Sorry, multiply with 20 and 1 PA is equal to 80 watt. So I hope so you understand this basic RRU power concept in watts. उम्मीद है कि आपको ये basic concept समझ आ गया. कुछ RRU हमारे पास ऐसे भी हैं जिनका जो एक PA है हमारे पास वो जो है 160 वाट का है. ठीक है, तो अगर उसकी सिर्फ दो पोर्ट्स होती हैं तो 160 प्लस 160 340 वाट के RRU होते हैं. ये मोस्टली हमारे पास जो है 8881-1800 का RRU होता है.